चला गया सहारा देने वाला जब राजीव कपूर, रणधीर कपूर के छोटे भाई चले गए जब भाई हमेशा के लिए साथ छोड़कर, तो पिछले 4 महीने से किसके सहारे रह रहे हैं रणधीर? क्योंकि बबीता कपूर ने तो सालों पहले रणधीर का घर छोड़ा। तो आपको बता दें, 74 साल के रणधीर कपूर को सहारा देने वाला कोई और नहीं, ये वो स्टाफ है जो उनका सहारा बने हुए हैं बुढ़ापे में। जी हाँ, रणधीर कपूर के बुढ़ापे में उनके पैरों का लाठी बने हुए हैं ये हॉस्पिटल स्टाफ नहीं, उनके घर के स्टाफ जो 24 घंटे रणधीर कपूर का रखते हैं ख्याल। रणधीर को चलने में होती है तकलीफ तो रणधीर कपूर को सहारा उनकी पत्नी बबीता नहीं बल्कि देते हैं ये कलाकार। वैसे आपको शायद मालूम ना हो, रणधीर की पत्नी बबीता खुद भी काफ़ी परेशान रहती है, इसी कारण से रणधीर कपूर को सहारा देने के लिए उनकी पत्नी बबीता के सामने भी स्टाफ मौजूद होते हैं जो कि रणधीर का ख्याल रखते हैं। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में बबीता अपने पति रणधीर के साथ जो चर्च से निकली है। रणधीर को चलने में जब तकलीफ हुई तो बबीता ने मदद नहीं की, बबीता रणधीर के पीछे खड़ी रही और आगे से आए रणधीर की नर्स जो कि रणधीर के साथ रहती हैं, जो उनका ख्याल रखती हैं, वही नर्स जो है रणधीर कपूर को संभालती हुई कुछ ऐसे नज़र आई थी। सोशल मीडिया पर रणधीर कपूर इन तस्वीरों को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा बात करते नज़र आते हैं। और सोशल मीडिया पर रणधीर कपूर के बारे में बात करें तो डब्बू कपूर के नाम से इंस्टाग्राम पर उनका अकाउंट है, जिसमें रणधीर कपूर के तमाम पोस्ट आपने देखे होंगे। अपने बच्चों को लेकर वो पोस्ट शेयर करते हैं, कभी करीना तो कभी करिश्मा तो कभी अपनी वाइफी के साथ। लेकिन हाँ, वाइफी के साथ ट्रिप पर ज़रूर जाते हैं रणधीर, लेकिन रहती नहीं है रणधीर के साथ उनकी पत्नी, ये कहा जाता है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।